हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू आवर चैनल क्राफ्ट की तिजोरी। सो माई सेल्फ सोनिया और इस चैनल पर मैं आपके साथ DIY एंड होम डेकोर वीडियोस शेयर करती हूं। अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको देखने को मिलेंगे बहुत सारे ऐसे DIY आइडियाज जिनसे आप भी इंस्पायर हो सकते हैं। तो हमारे फर्स्ट DIY के लिए मैंने यहाँ पर लिया है कुछ इस तरह का दिया। आते हैं, इस दिया में एक हैंडल और एक बेस भी हमें मिलता है, तो इसे ही हम यहाँ पर रीयूज करेंगे। तो जिसे बेस पेंट करने के लिए मैं यहाँ टेक्सचर पेस्ट बना रही हूँ, जिसे बनाना बहुत इजी है। आप इसे वॉल पुट्टी में पानी मिक्स करके बहुत ही इजीली बना सकते हैं और इसकी कंसिस्टेंसी भी आप अपने अकॉर्डिंगली रनिंग या फिर थिक रख सकते हैं। तो यहाँ पर ये देखिए, रनिंग कंसिस्टेंसी के पेस्ट की हेल्प से मैंने इसे पूरा यहाँ पर कवर कर लिया है। इसे एज अ प्राइमर बेस कोट की तरह मैंने यूज़ किया है और उसके बाद यहाँ पर थिक कंसिस्टेंसी पेस्ट की हेल्प से इस तरह से दियाज को मैंने इसके अंदर की तरफ स्टिक कर दिया है। तो इसे अब हम अच्छे से ड्राई होने के लिए छोड़ देंगे। तो नेक्स्ट पार्ट आता है हमारा यहाँ पर इसे पेंट करने का। तो इसे कम्प्लीटली आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंगली पेंट कीजिए। आप इसे एक्रेलिक कलर से या फिर चॉक पेंट से, किसी भी पेंट से आप इसे कवर कर सकते हैं, कलर कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर इसे एक ट्रेडिशनल लुक देना चाहती थी, दैट्स वाई मैंने यहाँ पर एक टेराकोटा शेड बनाया है और उसे ही मैं यहाँ पूरे दिया होल्डर पर इस तरह से कवर कर लूँगी। तो आप इसे बनाने के लिए यहाँ पर रेड और ब्लैक कलर को मिक्स कीजिए। आपको टेराकोटा मरून शेड मिल जाएगा। अगर आप चाहें तो इसमें ब्राउन भी कलर ऐड कर सकते हैं। तो इस तरह से आप टेराकोटा कलर बना सकते हैं। तो अच्छे से हमारे DIY का कलर यहाँ पर ड्राई हो गया है। तो उसके बाद नेक्स्ट मैं यहाँ छोटी सी इसमें डिटेलिंग्स ऐड करूँगी। यहाँ पर मैंने कोशिश की है कि मैं बहुत ही सिंपल वे में इस DIY को रेडी करूँ, सो दैट कि इसे कोई भी इजीली बना सके। तो यहाँ पर डॉट आर्ट की छोटी छोटी सी डिटेलिंग्स को यहाँ पर मैंने ऐड किया है और इसे बहुत ही मिनिमल वे में यहाँ पर मैंने इसे कंप्लीट कर लिया है। सो अगर आपके पास डॉट टूल्स नहीं हैं तो आप किसी भी पॉइंटेड ऑब्जेक्ट से इसे कर सकते हैं। तो दैट्स इट, रेडी है हमारा DIY दिया होल्डर। तो इसे हैंग करने के लिए आप यूज कर सकते हैं जूट रोप या फिर आप मैक्रमे रोप से इसे हैंग कर सकते हैं। अगर आपको आइडिया पसंद आया हो तो वीडियो को एक लाइक कीजिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा, सो दैट कि आपको मेरे हर लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशंस टाइम टू टाइम मिलता रहे। So moving to our next DIY, DIY number 2, दिया होल्डर ट्रे। So if you remember, तो ये DIY हमने दिवाली रीयूज प्रोजेक्ट में बनाया था, जिसमें हम थोड़े से चेंजेस करके इसे ट्रांसफॉर्म करेंगे एक डिफरेंट DIY में। तो के लिए सिंपली यहाँ पर मैंने इसके कलर को चेंज कर दिया है। यहाँ पर मैंने ट्रेडिशनल कलर यूज किया है। आप कोई भी फेस्टिव कलर यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। तो इसे पेंट करने के लिए यहाँ पर मैंने वन ऑफ माय फेवरेट मरून शेड अप्लाई किया है। रिमेनिंग ब्राउन पोर्शन को पेंट करने के लिए यहाँ पर हमने बनाया है DIY पॉलिश, जिसके लिए मैंने यूज किया है कॉफी पाउडर और उसमें हल्का सा पानी मिक्स करने के बाद इसे अप्लाई कर देंगे हम कुछ इस तरह से। बहुत ही कम क्वांटिटी में इसे हमें ब्रश पर लेना है और स्ट्रोक वाइज इसे अप्लाई करना है और शेडिंग इफेक्ट देते हुए हमें इसे पेंट करना है। और इसी कलर की हेल्प से यहाँ पर पूरा बैक साइड में भी मैं इसे कवर कर लूंगी। तो इसका लुक कुछ इस तरह का दिखेगा। अब इसे हमने करना है हाईलाइट। तो यहाँ पर मैंने गोल्ड डस्ट कलर ले लिया है और उसमें मैंने मिक्स किया है मीडियम, जो आपको इजीली किसी भी स्टेशनरी या फिर क्राफ्ट शॉप पर इजीली मिल जाएगा। तो इस तरह से ब्रश की हेल्प से इसे हम स्ट्रोक वाइज इन दियाज के ऊपर इस तरह से अप्लाई करेंगे, ताकि हमारे दियाज के ऊपर जो ये कार्विंग डिजाइन बना हुआ है वो इस गोल्डन कलर से हाईलाइट हो जाए। तो बहुत ही इजी और सिंपल वे में रेडी कर लेंगे हम अपना DIY दिया होल्डर ट्रे। तो आप चाहें तो कुछ और दियाज को भी आप यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। ये कुछ दियाज मेरे पास पेंट किए हुए रखे हुए थे, उन्हें ही बस मैं यहाँ पर हल्का सा गोल्डन टचअप देकर
इस DIY में ऐड कर दूंगी। दिस इज कम्प्लीटली ऑप्शनल। इफ यू डोंट वॉन्ट टू एड मोर दियाज तो आप इस पार्ट को स्किप भी कर सकते हैं। तो बस इसी तरह से आप इन दियाज को यहाँ पर स्टिक कर सकते हैं या फिर आप इसे सिंपली प्लेस भी कर सकते हैं। और दैट्स इट, रेडी है आपका DIY दिया होल्डर ट्रे। इसे आप अपने मंदिर एरिया में यूज कर सकते हैं और अपने मंदिर एरिया के स्पेस को और भी ज्यादा ट्रेडिशनली डेकोरेट कर सकते हैं। मूविंग टू आर नेक्स्ट DIY पीकॉक दिया स्टैंड, जिसके लिए आपको चाहिए कुछ लकड़ी के टुकड़े, कुछ दियाज और इस तरह से मेरे पास थे ये पीकॉक्स, जो कि एक वॉल हैंगिंग का ही एक बचा हुआ हिस्सा है। तो अगर आपके पास ये नहीं है तो आप इसे कार्डबोर्ड से भी रेडी कर सकते हैं। और तो यहाँ पर DIY स्टार्ट करते हैं। यहाँ वुडन इस पीस को मैं यहाँ टेराकोटा शेड से पेंट करने वाली हूँ, जिसे आप बना सकते हैं ब्राउन और मरून कलर को अपने अकॉर्डिंगली रेशो में मिक्स करके। तो इस तरह से ये मेरे पास दिया है जो पहले से ही पेंट किए हुए थे मैंने। आप इसे अपने हिसाब से किसी भी कलर कॉम्बिनेशन में पेंट कर सकते हैं। तो यहाँ पर इस तरह से मैं स्ट्रोक वाइज लकड़ी के इस टुकड़े को, जो कि मैं बेस की तरह यूज़ करने वाली हूँ, उसे कलर कर लूँगी। और दियाज को भी यहाँ पर मैं हल्का सा कलर से टचअप दे रही हूँ। इसी के साथ इन पीकॉक्स के कलर्स को भी मैं थोड़ा सा ब्रश से इस तरह से हाईलाइट कर लूँगी। और नेक्स्ट हमें यहाँ पर अपने इन सारे पीसेस को अपने वुडन बेस पर स्टिक करके उसे प्लेस करके देखना है कि किस तरह से हम इन्हें प्लेस करें। ये कम्प्लीटली ऑप्शनल है, अपनी चॉइस के अकॉर्डिंगली आप इन्हें किसी भी तरह से प्लेस कीजिए और सिंपली इसे आप स्टिक कर दीजिए अपने बेस के ऊपर। और दैट्स इट, कुछ इस तरह से मैंने यहाँ स्टिक कर लिया है और ये हमारा ब्यूटीफुल सा एक बेस रेडी हो जाता है DIY पीकॉक दिया स्टैंड। तो बहुत ही सिंपल सा इसका लुक बनकर आया है और उतना ही ये ब्यूटीफुल भी लग रहा है। नेक्स्ट आप चाहें तो छोटी छोटी डिटेलिंग्स इसमें ऐड कर सकते हैं, जैसे मैंने यहाँ पर इन कलर्स को थोड़ा सा हाईलाइट किया है। डॉट टूल की हेल्प से मैंने इसकी आईज़ में और इसके पीकॉक के बॉडी पार्ट में छोटे छोटे जो एलिमेंट्स हैं उन्हें वाइट एक्रेलिक कलर की हेल्प से इस तरह से हाईलाइट किया है। इट्स कम्प्लीटली ऑप्शनल, आप चाहें तो जिस भी तरह से आप अपने इस दिया स्टैंड की जो भी आपके पार्ट्स हैं उन्हें हाईलाइट कर सकते हैं। उन डिटेलिंग्स को आप अपने अकॉर्डिंगली चेंज कर सकते हैं। तो दैट्स इट, तो कंप्लीट है हमारा ब्यूटीफुल सा पीकॉक दिया स्टैंड। तो एक बार हमारा DIY कंप्लीट होता है देन उसे मैं यहाँ पर वार्निश से सिक्योर कर लूँगी। आप भी वार्निशिंग पार्ट को बिल्कुल भी अवॉइड ना करें, उसे स्किप ना करें, क्योंकि वो हमारे DIY को एक लॉन्ग लाइफ देता है, उसे प्रोटेक्ट करता है डस्ट एंड मॉइस्चर से। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू वार्निश योर एवरी DIY। सो दैट्स इट, कम्प्लीट है DIY नंबर 3, DIY पीकॉक दिया स्टैंड। तो यहाँ पर पीकॉक के जगह आप कोई भी ट्रेडिशनल जो आपके पास मोटिव्स होते हैं लाइक एलिफेंट या फिर फिशेस, आप कुछ भी यहाँ पर यूज कर सकते हैं, उतना ही ब्यूटीफुल आपका DIY बनकर कंप्लीट होगा। तो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। तो मैंने आपके साथ शेयर किए हैं 3 सुपर इजी DIY विद रीयूज ऑफ आर ओल्ड दियाज, या फिर आप इन्हें नए दिया से भी बना सकते हैं। तो अगर आपको इनमें से कोई भी आइडिया पसंद आया हो तो वीडियो को एक लाइक कीजिएगा और क्राफ्ट की तिजोरी चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए DIYs के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।